हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल, यानी सवाल कितने तरह के होते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए सुपर क्लास तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। दोस्तों देखिए, सवाल दो तरह के होते हैं। सवाल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में देते हैं, और एक होता है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, और एक होता है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच यानी जिसमें डब्ल्यूएच लगा रहेगा, क्लियर है। तो सवाल हम लोग का दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। देखिए, यस नो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन यानी सवाल या प्रश्न, सवाल यानी प्रश्न, सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का दो तरह के होते हैं, एक होता है येस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका हो गया वाई, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, हु हो गया हुज, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हम लोग का सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, यानी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू छे देखिए, तो ये आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। और ये जो है येस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये जो हम लोग का येस नो क्वेश्चन शुरू होगा, ये हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, तो जो वर्ब होगा उससे शुरू होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए राम इज हैप्पी, ये हम लोग का सेंटेंस है। अब हम लोग इसका येस नो क्वेश्चन बनाना, तो ये जो इज है ये बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग बाहर ले आएंगे, इज राम हैप्पी, क्या राम खुश है, क्या राम खुश है, क्लियर है। अब हम लोग इसका आंसर देना है तो आराम से दे सकते हैं येस राम इज हैप्पी, अगर नहीं तो नो राम इजंट हैप्पी, क्लियर है। येस राम इज हैप्पी, हाँ राम खुश है, क्लियर है। इसका नेगेटिव जवाब देना है कि नहीं है, तो नो राम इजंट हैप्पी। तो ये हो गया हम लोग का येस नो क्वेश्चन, क्लियर है। तो आज हम लोग क्या देखें कि सवाल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हम लोग का येस नो क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। देखिए, अगर येस नो में अगर कोई पूछता है आपको कुछ भी, जैसे आर यू हैप्पी, येस आई एम हैप्पी, आर यू अ डॉक्टर, येस आई एम अ डॉक्टर, आर यू अ मोटिवेशनल स्पीकर, येस आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आर यू अ डॉक्टर, येस आई एम अ डॉक्टर, तो इस तरह से आपको जवाब देना है। अगर वो डब्ल्यूएच में पूछता है तब आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होगा, मतलब एक बात बताए आपको, मैं बोल क्या आप नाश्ता किए, बोले हाँ किए कि, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप नाश्ता में क्या किए क्या खाए, तब आपको पूरे डिटेल बताना पड़ेगा, क्लियर है। मैं रोटी और सब्जी खाया, बात समझ रहे, तो आपका हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तब हम लोग डब्ल्यूएच में पूछेंगे। तो देख ले, हम लोग सवाल दो तरह के होते हैं, एक होता है येस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो येस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा यानी जो वर्ब होगा उस वर्ब को हम लोग बाहर ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया, जैसे राम इज हैप्पी, इज को बाहर ले आए, इज राम हैप्पी, तो हम लोग का येस नो क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्या करना है, येस नो क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना, कोई भी सेंटेंस हो, राम इज अ डॉक्टर, इज राम अ डॉक्टर, आर यू अ पेंटर, विल यू बी अ नर्स, कुछ भी आपका जो भी आता है पूरा येस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसको आंसर देना, और आपको बोलना है। देखिए, बोलना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपको डर जो है ना, डर को हटाना पड़ेगा, चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, आपको बोलना होगा। आप दीवार के सामने जाके बोलिए, आप मिरर के सामने जाके बोलिए, अपने फोन से इंग्लिश में बात कीजिए, अपने बेड से इंग्लिश में बात कीजिए, कुछ भी हो मन ही मन आपको। देखिए, इंग्लिश बोलने से सबसे पहले आपका जो थॉट प्रोसेस है ना दिमाग में, ये जो थिंकिंग किया, जो थॉट प्रोसेस होता है, सोचने का जो जरिया होता है, उसको पहले आपको इंग्लिश करना, इंग्लिश आपको करना होगा, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपको जो भी बोलना है, यस नो क्वेश्चन में बोलिए, समझ रहे, यस नो क्वेश्चन में आप जो भी बोलना ये बोलिए। और ये जो डब्ल्यूएच का क्वेश्चन, ये भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, सब तरह का वीडियो डाला हुआ है, आपको क्या करना है, सबको वॉच करना है, देखना और प्रैक्टिस करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना, तो आपको उसी तरह आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट 6 महीने आपको टाइम देना होगा, पूरा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप गारंटीड अपने फील्ड में और अपने जो स्पीकिंग में परफेक्ट हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग हो या चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, कोई भी स्पीकिंग हो, आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, चाहे जो भी हो जाए, गलत होगा, सबके साथ होता है, जो पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं, हम लोग करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, लेकिन आपको गिवअप नहीं करना, आपको गिवअप नहीं करना है, बस अपने आप पर भरोसा रखना है, यस आई कैन डू इट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जब एक आदमी अकेले एक छेनी और हथौड़े से अगर 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या हम लोग एक
लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए और आप पॉजिटिव रहिए और बस कमिटमेंट कीजिए और चाहे जो भी हो जाए प्रैक्टिस कीजिए और बोलने का कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोज बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।